जिक्र का जिक्र हो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त सीधा जद्दा से पहुंची हूँ और यहाँ आप लोगों को इतनी तादाद में देख के मुझे जितनी खुशी हो रही है उसका मैं बयान नहीं कर सकती। और ख़ास तौर से ये कि कितने नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं, तो जीते रहिए आप सब लोग। जी नानिका, आदाब, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक शबाना जी एंड मुजफ्फर साहब टू लॉन्च द बुक, सो टू स्पीक, एंड वी मस्ट गिव देम अ बिग हैंड। अब आप देखिए कि मेरे सामने दो इतनी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, तो मुझे क्या कहना चाहिए? शायद खामोश रहना चाहिए, मगर मेरे दिल में इतने सवाल हैं कि शायद वो आधे घंटे में ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ कि इस किताब से, जिसका टाइटल है ज़िक्र इन द लाइट एंड शेड ऑफ टाइम, और ये एक ऐसी अद्भुत किताब है। और आप ये भी सोचेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक हिस्टोरियन हूँ जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? मैं ये कर रही हूँ कि मैं जो ये आज हिस्ट्री, मेमोरी, लिटरेचर, इसका एक संगम हो रहा है, ये एक तरीके की मिलाप हो रहा है, और ये सब इस किताब में हमें पढ़ने को मिल रहा है। मुजफ्फर अली से हम सब वाकिफ़ हैं, इनको तारुफ की, इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये इतने बड़े हैं कि कई बार वर्ड्स फेल आस। पर जो इस किताब में हम पढ़ रहे हैं उसमें एक जीती जागती फिल्म और एक जीती जागती तारीख हमारे सामने पेश हो रही है, जो हमें किताबों में नहीं मिलती, जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती, जो हमें किसी आर्काइव्स या स्कॉलरली परस्यूट्स में नहीं मिलती, वो एक ऐसे फिल्म मेकर की ज़बान से मिलती है जो कि बहुत ही यूनिक है, जो कि एक पोइट की ज़बान है, जो कि एक पेंटर की ज़बान है, जो कि एक फिल्म मेकर की ज़बान है, और जो एक सफ़र कर रहा है जैसे तरह तरह के शहरों में, कोटवारा, अलीगढ़, कलकत्ता, बॉम्बे, और यही सब कुछ उनकी फिल्मों में हमें देखने को मिल रहा है, और यही सब का समिश्रण, सबका एक कॉम्पोजिशन, एक मिलाप, एक टकराव इस किताब में है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं ये सवाल शुरू करूँगी, और शबाना जी भी इसमें हमारे साथ हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत, मेरे लिए तो बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है कि मैं दो इतनी ग्रेट फिल्म मेकर और एक्टर के बीच में बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा क्राफ्ट भी इन्हीं से ही जागता है। मैं तो एक मरा हुआ इतिहास लिखती हूँ, पर जो मेरा क्राफ्ट है वो जागता है जब मैं फिल्म देखती हूँ या मैं शबाना जी की एक्टिंग देखती हूँ। तो आज मैं आपसे सबसे पहले मुजफ्फर साहब एक सवाल करूँगी, आपने ये किताब क्यों लिखी और क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? देखिए, हर आदमी जीता है, जिंदा रहता है, सांस लेता है, दोस्तियां करता है और मुख्तलिफ शहरों से गुज़रता है। अब वो बाज़े वक्त जिसे कहते हैं रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं जहाँ जहाँ से गुज़र रहा हूँ, जिन जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ और जो जो मुझ पे चीज़ें असर कर रही हैं, वो खाली निकल जाएं। तो मैंने धीरे धीरे करके ये तय किया कि इसको मैं किस तरीके से एक नेशनल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रखूँ, एक सिनेमैटिक कॉन्टेक्स्ट में रखूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि अपनी कहानी ऐसे सुनाना कि लगे एक के एक फिल्म है ये। तो मैंने उसमें सबसे बड़ा जो किरदार मेरी ज़िंदगी में था, मेरे वालिद का, राजा साजिद हुसैन का, मैं उस किरदार को लेके चला हूँ। और उस किरदार के दो पहलू हैं, एक तो वो किरदार 14 साल से पहले जो हमेशा गाँव में रहा है, और एक वो किरदार जो 24 साल के बाद विलायत से आता है और वो हिंदुस्तान को एक नए रंग में देखता है, एक नई चुनौती देखता है हिंदुस्तान में। वो उसके ज़रिए से मैंने अपनी सरजमीन को, अपने वतन लखनऊ को पहचानने की कोशिश की। तो ये एक
पसे मंजर है जिसके अंदर ये किताब लिखी गई है। उसके बाद धीरे धीरे करके असल में किताब इतनी मज़े की है कि जितने आदमी की ज़िंदगी में इतने लुत्फानंदोज़ हादसे होते हैं, लोग आते हैं कि आदमी बाज़े वक्त सीरियस होते होते भी हंस पड़ता है। तो इसमें हंसी भी है और संजीदगी भी है। फिर अलीगढ़ में आया, अलीगढ़ में मैंने क्या देखा, आप लोग बहुत से लोग होंगे अलीगढ़ के, मुझको भेजा गया था अलीगढ़ कि मैं साइंटिस्ट बनूँ, जियोलॉजिस्ट बनूँ, केमिस्ट बनूँ, बॉटनिस्ट बनूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं बन पाया। मैं शायरों के चक्कर में पड़ गया और एक साहब ने, हमारे दोस्त थे, उनका, यार अगर अच्छी शायरी सुनने को मिल जाए तो तुम कभी करना मत शायरी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी असगर वजाहत की हिदायत थी जिसको आज तक मैं अपनी गिरा में बांध के रखे हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं शायर हो जाता तो मुझे अपनी शायरी के आगे कुछ नज़र नहीं आता। अब मुझे शायरी की एक बहुत वसी दुनिया है, वसी एहसास हैं, वसी तजुर्बे हैं, जिससे मैं एक क्या कहते हैं जद्दोजहद की, इनकलाब की शायरी से लेके और तसव्वुफ की शायरी की दहलीज तक पहुंच जाता हूं। और उसको अलावा उसको मैं ज़िंदगी से जोड़ सकता हूं, अपनी ज़िंदगी से जोड़ सकता हूं, एक असहाय इंसान की ज़िंदगी से जोड़ सकता हूं। और यही मैंने अपनी फिल्मों में करने की कोशिश की है। देखिए, तो मुजफ्फर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन जो नौजवान हैं यहाँ, उनको वरगलाने की भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है, आप बहुत एहतियात से इनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि आप कहीं ये समझने लगेंगे कि अरे अगर हम मुजफ्फर अली जैसे बन सकते हैं तो जो हम कर रहे हैं उसको फौरन छोड़ दें। तो मैं आपको एहतियात बरतने के लिए कह रही हूँ। नहीं नहीं, आपने अच्छा किया बता दिया, वरना ये पता नहीं क्या होता है इस महफिल के बाद सब बाल बढ़ा ले चुके होते और हैं तुम्हारे हैं और तो नहीं है किसी के राज, राज का माजरा है ये, राज को राज चाहिए। अब किसका नंबर है? मुझे तो ऐसा लगता है शबाना जो है वो एक हमारी इस जिंदगी की छोटी सी हमसफर है। हम लोगों ने कुछ जिंदगी के साल, मतलब सिर्फ मैं फिल्म के हवाले से कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। मेरे मियाँ उस दूसरी पवेलियन में बैठे सुन रहे हैं बातें, सुन रहे हैं। अब वो मुझे लगता है जलन से निकल चुके होंगे। अब आंखों में तूफान आ गया हूं। चलो नहीं, मगर सही बात तो यह है जी मानिका, के मैं तो मुजफ्फर से पूछना चाहूंगी कि इतनी देर में क्यों आई ये किताब, क्योंकि आप जिंदगी के जिन पहलुओं से गुजर के आए हैं, ये किताब तो पहले आना चाहिए। मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक आदमी का सफ़र नहीं है, एक आर्टिस्ट का सफ़र है, और हिंदुस्तान की एक ऐसी कल्चरल, ऐसी तहजीब पर लाइट और रोशनी डालता है जिसके बारे में हमें इतना पता नहीं है। और ख़ास तौर से आज के माहौल में ये बहुत अहमियत रखती है कि हमारी जो हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब है उसके बारे में हम जानें और पूरी तरह से उसकी कदर करें। और वो सिर्फ इनकी कहानी सुनकर आपको उससे अगर कुछ सबक लिखना है तो आपको मिल जाएगा, ये मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। चलिए, इन्होंने सबक तो बदल दिया। एक जो अच्छा बहुत अहम पहलू इस किताब का है वो अवध की तारीख है, और अवध की जो गंगा जमुनी तहरीक, तहजीब है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें आती है। और वो कुछ ऐसे कॉन्शियसली नहीं आ रही है, वो जाहिर भी है और वो बातिन भी है, बिल्कुल वो दोनों चीज़ें हैं उसमें। तो कुछ कभी कभी वो छुपी हुई है और कभी कभी वो बहुत जाहिर है। और एक और उसमें जो बहुत
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बुक कॉन्सेप्ट की बुक भी है, वो है सूफियाना जो रिश्ता है इनका रूमी और अमीर खुसरो से, वो पूरी ही बुक में किसी तरह से वो आता है। और साथ में करबला जो कि एक सिंबल है, सिंक्रेटिक सिंबल है, इनजस्टिस का सिंबल है, यू नो सिंबल प्रोटेस्ट का एक सिंबल है अगेंस्ट इनजस्टिस, और जिसको एक कम्युनिटीज़ जो हैं इंडिया की बहुत जिससे इंस्पायर होती हैं। तो मुजफ्फर की इस बुक में बहुत इंस्पिरेशन है, ही इज़ इंस्पायर्ड बाई मैनी कॉन्सेप्ट, मैनी आइडियाज, मैनी पीपल, मैनी फ्रेंडशिप्स एंड मैनी सिटीज। सो आई डोंट नो वेयर टू बिगिन फ्रॉम, बट एंड द वन एस्पेक्ट दैट इज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है वो है, जिसमें आई थिंक शबाना जी ऑल्सो कैन कम इन, इज द डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन हिज फिल्म्स। जिस तरह से वो एक वुमन को डिपिक्ट कर रहे हैं, चाहे वो उमराव जान हो, चाहे वो गमन हो, और जिस तरह से उनको फिर मौसीकी के साथ जोड़ रहे हैं, एक क्रिएटिविटी के साथ जोड़ रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी यूनिक। तो बिफोर आई कम टू अदर क्वेश्चन, आई वुड लाइक हिम टू स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट हिज टाइम इन कोटवारा, हिज कनेक्शन विद अवध। और अवध का कनेक्शन देखिए सिर्फ कोटवारा ही नहीं है, कोटवारा एक दुनिया है मुजफ्फर साहब के लिए, कोटवारा एक दुनिया है, और वो उनका घर जो है वो भी दुनिया है, जहाँ वो ज़ेनाना में बड़ी कहानियाँ सुन रहे हैं, दास्तानें सुन रहे हैं, उनकी जो रिश्तेदार हैं उनसे कहानियाँ सुन रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अ बुकिश नॉलेज दैट ही इज़ बीइंग इंस्पायर्ड बाय ये। तो और मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये है कि ये एक राजा की फैमिली को बिलोंग करते हैं जी। तो हमें हमेशा ये लगता है कि एक राजा की फैमिली को अगर आप बिलोंग करेंगे तो जो मेल पेट्रियार्कल वैल्यूज़ हैं आप सिर्फ उन पर एक्सपोज हों, लेकिन उस माहौल में रहते हुए इनकी जो औरतों के साथ एक एम्पथी है वो कैसे बनी और कहाँ से बनी, ये मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मुजफ्फर आप इसका जवाब दें। देखिए हर आदमी जो है वो एक उसका एक डीएनए होता है जो उसको अपने वालदैन से मिलता है। तो एक मैंने जैसे शुरू में बताया कि मेरे वालिद से एक मुझे एक इंसानियत का, ह्यूमनिज्म का, एक मॉडर्निज्म का एक दर्शन मिला, और उसी सूरत से मेरी जो वालदा थी रानी कनीस हैदर, उन्होंने मुझे एक जो एक फेमिनिन फ्यूडल कल्चर है, जो निस्वानियत है, जो एक हम एक औरतों में मतलब फन और कला मतलब एक रची बसी है, उसको कैसे हमने अपनी वालदा के ज़रिए से देखा, और इन दोनों की वजह से हमको जो मिला वो आपके सामने हमने पेश करने की कोशिश की है हर बार। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर आदमी जो है वो एक ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हिज पेरेंट्स, आई मीन देयर आउटलुक, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैड दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि मेरे वालिद ने जब मुझे अलीगढ़ भेजा तो मुझे क्यों भेजा, सिर्फ साइंस पढ़ने नहीं भेजा, मुझे वो पर्ज करने भेजा फ्यूडलिज्म, कहीं इनका जो फ्यूडलिज्म है इनके अंदर अगर रहा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से हमारे साथ के लोग वहीं बस अपने वो उस मिजाज में खो गए, बस उससे निकल ही नहीं पाए। लेकिन जब से मैं अलीगढ़ पहुँचा हूँ तो एक टीन का बक्सा जिस पर मेरा नाम लिखा था एम ए जैदी और एक साइकिल, उस साइकिल पर मैंने 4 साल गुजारे हैं मैंने, और इतनी ख़राब हालत की साइकिल थी, उसमें साइकिल का भी जिक्र है, मैंने मतलब मेरे ऐसे भी हालात हुए कि मैंने किराए पर साइकिल दी लोगों को। तो आई वॉज टोटली पर्ज फ्रॉम एनी ट्रेस ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये वो बहुत उन्होंने भी 52 में जब जिम्मेदारी अबॉलिशन 50 जब भी हुआ उन्होंने खादी पहनना शुरू की, सारे अपने विलायती सूट उन्होंने तर्क कर दिए और खद्दर हैंड वोवन हैंड स्पन, और कहा जब तक ये मिल्स नेशनलाइज नहीं होंगी हम खद्दर पहनेंगे। तो ये एक उनका एक नज़रिया था जो आपको इसमें एक एक हैंड क्राफ्टिंग का एक का एहतराम मिलेगा। जब तक आदमी उस हैंड क्राफ्टिंग के एहतराम को नहीं समझता है फन उससे भागा करता है, सच है। और
जो इसमें आपके वालिद जो जिन्होंने क्योंकि आपकी एंसेस्ट्री जो है वो चौरा राजपूत से लिंक्ड है, इट्स अ फैसिनेटिंग सोशल हिस्ट्री. तो वो गुजरात के चौरा राजपूत फैमिली से आपका कनेक्शन है और आपके जो एक पूर्वज थे राजा सोपी, वो लोग राम भक्त थे. और महमूद गजनी के टाइम में वो एक्चुअली अयोध्या की तरफ गए और फिर भगवान विष्णु की आकाशवाणी हुई कि आप कोटवारा की तरफ जाएं. और 15th सेंचुरी में अकबर के टाइम में ये इस्लाम को इख्तियार किया. और वो कोई इस्लाम बाय सोर्ड नहीं था, वो एक हारमोनियस डिफरेंट आइडिया ऑफ इस्लाम था जिससे कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंस्पायर हुए. तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जो फादर हैं उन्होंने खुद चौरा राजपूत पे डिसर्टेशन लिखी और बहुत बड़े वो स्कॉलर थे और एडिनबरा यूनिवर्सिटी में पढ़े. तो जाहिर सी बात है जैसे आप कह रहे हैं कि वो उन फ्यूडल वैल्यूज़ को भी कुछ डिस्टेंस से देखते थे और सेंसिटिविटीज़ थी, कंपैशन था और एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन विजन था जिसके बारे में आप लिखते हैं. पर उससे आगे जब हम जाते हैं तो आपका एक अदबी जो एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है, उससे कनेक्शन होता है जब आप अलीगढ़ जाते हैं जहां आपको राही मासूम रज़ा मिलते हैं, जहां शहरयार से आपकी दोस्ती होती है, जहां आप खलीलुर रहमान आज़मी साहब से आपकी दोस्ती होती है और आपका एक तरीके से एक नई जर्नी होती है. तो थोड़ा सा आप उस अदबी कल्चर के बारे में और अलीगढ़ के उस अदबी कल्चर के बारे में हमें बताएं तो बहुत अच्छा लगे. पहले तो यही है जो आपने अर्ज किया फरमाया, वो ये कि एक मुसलमान हो के बॉर्न मुस्लिम अपनी हिंदू वंशज के ऊपर रिसर्च करें, आजकल लोग दबा देते हैं. तो ये आई मीन दिस हैज ओपन्ड अ न्यू वर्ल्ड टू मी, यू नो, माय फादर्स होल. दूसरा क्या था? हाँ देखिए, अलीगढ़ में जो था वो अदब मुझे बहुत ही जिसे कहना चाहिए पुर मजाक तरीके से मुझ तक पहुँचा. आई स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड फनी थिंग्स इन पीपल एंड पर्टिकुलरली दोज पीपल हु टुक देमसेल्व्स टू सीरियसली. अब अदब दो पहलू होते हैं, एक तो वो पहलू जिससे आप का मजाक पैदा होता है और एक दूसरा पहलू जिससे आप एक अहमक बनने के अंदेशे के जोन में पहुंच जाते हैं. तो हम लोग इस दोनों जोन को बहुत ही मज़े में लाइब्रेरी कैंटीन में बैठ के उसको एक्सप्लोर करते थे और उसमें किताब में आपको बहुत सी मज़े के किस्से मिलेंगे जहां पर लोग ऑलमोस्ट अहमक हो गए हैं और दूसरा मतलब जिसे कहना चाहिए पुरलुत्फ और मज़ेदार हो जाते हैं. तो ये जब तक अदब में आप घुस के मज़ा नहीं लेंगे तो ऊपर से उर्दू नहीं आती है. उर्दू जो आती है वो आती है उर्दू ज़बान आते आते, तो वो हर पहलू से जब आप उर्दू सुनेंगे तब मज़ा आएगा आपको. आपकी खाला उर्दू बोले, आपकी फुफ्फी उर्दू बोले, आपका धोबी उर्दू बोले, तब कहीं बात बनती है. वरना एक तरफ से उर्दू आ रही है आप तक तो वो क्या उर्दू है. तो यही हम लोगों ने हमेशा, अभी हमारी फिल्मों में भी आप देखें ना, आप जैसे आपकी अंजुमन, उसमें जो उर्दू लोगों ने बोली है वो इतनी मज़े की उर्दू है. एंड माई डिज़ायर वॉज टू वर्क विथ डॉक्टर राही मासूम रज़ा. मैंने कहा मैं इतना बड़ा आदमी जो इस कदर मतलब बेबाक होके अल्फाजों से खेलता है, काश ये मेरी फिल्म में डायलॉग लिख दें तो बड़ा मज़ा आएगा. तो जब मैंने अंजुमन के लिए कहा तो कुछ हूँ हाँ 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 करके तैयार हो गए राही साहब. वो भी बड़े पुरमजाक आदमी थे. आई थिंक ही इज़ वन पर्सन हु ट्रेडेड बिटवीन ह्यूमर एंड क्लासिसिज्म लाइक नोबडी एल्स, यू नो. सो कहले देखो जबान तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ इससे मज़ा लूँगा. और उन्होंने थ्रू आउट मज़ा लिया. अब आप बताइए, आप तो थी उसमें,
आपकी वालदा भी थी शौकत आज़मी, और जो मज़ा हम लोगों ने लिया है ज़बान को, बाकी नवाब थे, पता नहीं कौन कौन थे उसमें। सही बात है। और एक उसमें इतना खूबसूरत डायलॉग मुझे याद है कि क्योंकि उसमें मैं एक चिकनकारी की वर्कर हूँ और उस पर फूल बनाती हूँ, तो कोई ये कहता है कि ये इतनी खूबसूरत बूटी काटती है कि तितली बैठ जाए, अब भंवरे बैठ जाए। अब आप सोचिए कि कितना खूबसूरत और कितना विजुअल इफेक्ट है ये ज़बान में, जस्ट कम सो नेचुरली। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ मुजफ्फ़र, कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि कोई आर्टिस्ट होता है तो उसको अपने एक आर्ट फॉर्म में महदूद रहना चाहिए, कि मगर अगर जैसे कि वो फिल्म मेकर है तो वो सिर्फ फिल्में बनाएं, या अगर वो पेंटर है तो वो सिर्फ पेंटिंग करें। मैं ये जानती हूँ कि जब आप फिल्म डायरेक्टर होते हैं तो जाहिर है कि बहुत सारे आर्ट फॉर्म से लेते हैं, लेकिन जब आपने ये तय किया कि आप फिल्म भी बनाएंगे, आप पेंटर भी होंगे, आप जो है एम्ब्रॉयडरी भी करेंगे, तो आपको खौफ नहीं हुआ कि कहीं ये सब करने में आप बिखर जाएंगे? पहले तो जो आप कह रही थी डायलॉग वाला, एक डायलॉग राही साहब का था शौकत आपा के बारे में, बाजार में सड़क पे एक बच्चा मतलब वो रस्सी से बीड़ी सुलगा के कह रहा है, क्या रुखे पुरशिकन के हम ही लेंगे बोसे, ये बासी सिवैया स्वारत करें तोबा। और कैफी साहब ने कहा अगर मैं ये चुईया बेगम को देख लेता तो मैं कभी भी तैयार ना होता शादी के लिए। देखिए फन जो है उसमें कोई दीवार नहीं होती है। फन एक 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 जिसे कहें एक समंदर है जो जब उबलता है तो वो फिर कहीं कहाँ से आया कहाँ गया उसको खुद पता नहीं होता है। अब हम जब अली कलकत्ते पहुँचे तो हमको पता चला हम तो कुछ भी नहीं जानते, वाकई हम कुछ नहीं जानते, ना हम जबान जाने, ना हम कुछ लिखना जाने, ना पढ़ना जाने, ना गाना जाने, ना बजाना जाने, ना शायरी करना जाने। तो मैंने कहा कुछ तो करना चाहिए, तो मुझे ख्याल आया कि मैं बचपन में ड्राइंग बहुत अच्छी करता था, मुझे आर्ट प्राइज मिलता था, तो आई बिकेम अ पेंटर। अब दैट पेंटिंग हैज स्टक टू मी फ्रॉम देन और इवन अर्लियर टिल टुडे, यू नो, एंड आई थिंक इट कीप गिव्स मी अ बैलेंस, इट्स पुट्स माय सोल एट पीस एंड आई कैन अंडरस्टैंड एस्थेटिक्स, यू नो, बिकॉज एस्थेटिक्स जो है वो इज अ डायलॉग बिटवीन योर soul in your eyes, you know, and that is something that you have to nurse 24 hours a day. If you don't nurse your eyes on aesthetics, then you will miss out on something very, very valuable. Is waqt mein jo aapko dekh raha hu to mere liye ek, it's an aesthetic extravaganza. Things could be better, things could be worse, but still this human, it's rich, it's exciting, you know. So jo aesthetics hai usme kya hai, जो ज़िंदगी के नशेब व फराज़ हैं वो आप रोशनी के ज़ेरो बम में देखते हैं। ये चीज़ जब आपकी आंखें ट्रेन होती हैं, और वो इसीलिए होती हैं कि मुझे और कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ देखना आता था। जब मैं अलीगढ़, मैं चाहती हूँ यहाँ इतने सारे नौजवान लोग बैठे हैं तो उनको आप बताइए कि एस्थेटिक्स डिवेलप करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, आम जिंदगी में उनका एस्थेटिक सेंस इतना डेवलप हो जाए कि जैसा आप कहते हैं कि बस देखना ही काफी है, आप क्या बोलेंगे इनको? शेर है, हमसे कुछ आगे जमाने में हुआ क्या क्या कुछ, ताजमहल बना, ये बना, वो बना, हमसे कुछ आगे जमाने हुआ क्या क्या कुछ, फिर भी हम गाफिलों ने आके किया क्या क्या कुछ। तो मसला ये है कि आप किसी चीज़ को ठहराव के साथ गौर से, दिल से, इंसानियत से देखिए। हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, सरसरी हम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहाने दीगर था। तो सवाल ये है कि आप जब तक के गौर से नहीं देखेंगे, एक दूसरे को गौर से नहीं देखेंगे, हमको हर शख्स में एक पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ माई एस्थेटिक्स। When I see a world in this man's face, I am seeing what he is, what he can be, and what he would like to be, you know.
सो दैट इज माई एस्थेटिक्स बिकॉज सर उसमें जो ह्यूमनिज्म की रेज से आप देखते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ समझ में आती है अलग तरीके से. हम लोग जो बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में आपको कुछ नहीं मिलता है, बाज़ार में वही मिलता है जो आप नहीं खरीदना चाहते हैं. हम लोग जब दिल की दुनिया में आते हैं तो हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारा दिल जिससे धड़कता है. तो आई थिंक ये जो एस्थेटिक्स है ये सोबत से होती है, मोहब्बत से होती है, तरबियत से होती है, माशरे से होती है. और हमने इस माशरे को बहुत ही अज़ीज़ समझा है अपनी फिल्मों में, अपनी दोस्तियों में. मैंने हर शख्स से इतना सीखा है, हज़रत अली का कौल है मैं हर उस शख्स का ग़ुलाम हूँ जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया. अब ये जो बात है सीखने वाली, दैट इज़ द फंडामेंटल ऑफ एस्थेटिक्स. इफ़ यू डोंट हैव दैट अर्ज टू लर्न and then you will have no aesthetics. If you have no aesthetics, you'll have no urge to share. That's so, beautifully put. But for instance, mujhe lagta hai hum log khas taur se ki we look but we do not see. Ye aisa lagta hai bahut barik baat hai lekin actually hai nahi. Hum jab ped ko dekhte hain to hum sachmuch ped ko nahi dekhte hain. Hum ped ko dekhte hain is information ke sath ki acha ye ek ped hai. अगर हम सही तौर पे उसको देखें और उसको महसूस करें तो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो यही है एस्थेटिक्स के लिए, यही है कि हम अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से ही चीज़ों को नहीं देखें लेकिन उनको पूरी तरह से महसूस करें. और मुझे लगता है नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी काबिलियत है जो आप डिवेलप कर सकते हैं. अच्छा, इतना सारा मैं भाषण देने का मेरा आइडिया नहीं था. आई एम सॉरी दैट आई एम गिविंग यू सो मेनी लेक्चर्स. यही है एस्थेटिक्स में एक और डायमेंशन जो बुक में पढ़ने को मिलती है वो है जैसे कि अलीगढ़ में ये जाते हैं तो लिखते हैं कि उससे मुझे एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली एस्थेटिक्स को देखने की भी. सिर्फ सोच ही देखना ही नहीं पर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. सो जैसे कि आपने कहा ज़माना शनासी कि ज़माना को देखना, उसको एक तरीके से अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड रादर देन टू जज, रादर देन टू फिक्स समथिंग बट टू अंडरस्टैंड. पर इसी तरह से मुझे जो इस बुक में और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा वो ये था कि जिस तरह से आप हिस्ट्री से डील कर रहे हैं, 1857 का इनके फैमिली पर भी असर पड़ा. इनके जो परनाना थे उनको बहुत ही बेरहमी से अंग्रेज़ी हुकूमत ने मारा जो कि नवाब ऑफ मुरादाबाद थे. और उन्होंने इनकलाब के खिलाफ 1857 के इनकलाब में अपनी आवाज़ उठाई थी और पार्टीशन के भी का भी इन पे असर पड़ा. और दूसरी बात यह है जो अवध का पार्टीशन है, अवध की तकसीम है, वो उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते. हम बंगाल और पंजाब के बारे में पढ़ते हैं. तो ये बुक जो है एक जीता जागता हमें इतिहास बताती है. और जहाँ तक 1857 का सवाल है, हम उमराव जान जो इनकी एक आउटस्टैंडिंग अमेजिंग फिल्म है, वो मिर्ज़ा हादी रुसवा का नावल है जो 1905 में उन्होंने लिखा और मुजफ्फर साहब ने उसको कितना क्रिएटिवली अडेप्ट किया. तो मैं इनसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं कि ये जो इनका हिस्ट्री के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है बिकॉज ऑफ अवध एंड बिकॉज ऑफ हिज ओन फैमिली हिस्ट्री एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट ग्रैंडफादर बीइंग किल्ड इन द वायलेंस ऑफ 1857 एंड बीइंग किल्ड बाय द ब्रिटिश इन 1857, मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो फिल्म बनाई इन्होंने तो उसकी जो क्रिएटिव फाउंडेशन थी वो क्या थी और उसके बारे में कुछ भी बताइए, हम बहुत बेताबी से सुनना चाहते हैं. देखिए, इसमें आपने बहुत पेचीदा बातें कही हैं जिसका ये लोग पढ़ें ले जाके. तो मैं अपने घर को बुलंदी पे चढ़ के क्या देखूं, उरूज फन मेरी दहलीज पर उतार मुझे. तो उमराव जान जो है वो हमें अपनी तारीख की दहलीज पे लाके खड़ा कर देती है जब वो लड़की एक शीशा साफ करती है, समझ गए आप. तो वो हमने 1857 का शुरुआत थी. वो ये नहीं था कि 1857 अब होने वाला है, हम जानते थे कि होगा और कैसे होगा, कब होगा, लेकिन हम नहीं बताना चाह रहे थे. हम सिर्फ एक आपके चेहरे से एक गर्द साफ करना चाह रहे थे. तो सवाल ये कि
तारीख को जो समझना है वो सिर्फ उसका एक ही आला है, वो है मानवता। जहाँ आपने मानवता का आला लगाया तो तारीख आपके समझ में आ जाएगी, जहाँ आपने हुकूमत तो हुक्मरानी का आपने वो लगाया तो तारीख तितर बितर हो जाएगी। तारीख जो है इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्टेट ऑफ माइंड, इट्स नथिंग एल्स बट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। किताबें आप सब ख़त्म हो जाएंगी लेकिन एक जज्बा जो आप ले जाएंगे इंसान को इंसान से जोड़ने का, यही हिस्ट्री बनता है। आप जो इस वक्त उर्दू इतनी शौक से सुन रहे हैं और बढ़ रहे हैं उर्दू की तरफ, क्योंकि इसमें ये तमाम सब पेचोखम जेरो बम ये तमाम सब इंसान की जद्दोजहद है, कहीं ना कहीं पिरोई हुई, वो कैसे आप तक पहुँचे ये आपको सलीका सीखना है। और ये पहला सलीका तो इंसानियत ही है, दूसरा सलीका शायरी है। तो जब तक आप इंसान की नज़र से शायरी नहीं देखेंगे या तारीख नहीं देखेंगे तब तक आप लोग अंधेरे में रहेंगे, मेरा ख्याल ये। बहुत अच्छी बात आपने कही, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं कैफ़ी साहब के एक शेर से इसको ख़त्म करूं कि कोई तो सूद चुकाए कोई तो ज़िम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए कोई तो ज़िम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। शुक्रिया। मुजफ्फर साहब, आई थिंक अभी 2-3 मिनट हैं हमारे पास, तो उसमें जो किताब का एक सबसे अहम जो एक पैगाम आप देना चाहें वो क्या है, या कुछ इस तरह की उसके साथ बात जुड़ी है जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी के अंदर एक इनकलाब पल रहा है, और वो इनकलाब किस तरफ जाएगा, कहाँ वो ठहरेगा, ये उसको हर बच्चे को हर शख्स को अपने दिलो दिमाग से पूछना है। हमारी आबला पाई का जिक्र कर देना थका हुआ जो तुम्हें कोई इनकलाब मिले। तो इस इनकलाब को आप थकने मत दीजिए अंदर, ये चिराग जैसे लम्हे यूं ही राय गाना जाए, कोई ख्वाब देख डालो कोई इनकलाब लो। तो इनकलाब जो है वो एक इट्स अ एस्थेटिक जर्निंग ऑफ द ह्यूमन मेटाफिजिक्स, यू नो आई मीन, एंड दैट यू हैव टू कीप एट इट। एंड आई'd लाइक यू टू रीड दिस बुक एंड जस्ट टेल मी आपने ये क्यों नहीं किया या कहा, ये मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आएगा कि आपने ये इधर क्यों गए, आप इधर से क्यों इधर आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सफ़र है, देखने में तो छोटा लगता है लेकिन इसमें बहुत आपने पढ़ी है। तो मुझे लगता है हर बच्चे के लिए, हमारा लड़का जो है बहुत ही मतलब क्रिटिकल लड़का है, शायद फिल्में बनाता है, वो कभी तारीफ वारीफ नहीं करता है, तो उसने कहा, उसने तारीफ़ की, तो इसका मतलब ये कि मैं अपने बच्चे तक तो पहुँच गया। तो जब मैं एक ऐसे मतलब ज़िद्दी बच्चे तक पहुंच सकता हूं, तो यकीनन बहुत से यहां जो खुले बच्चे हैं, जो मतलब महजूज होने वाले बच्चे हैं, वो यकीनन उनको पता नहीं क्या क्या मिलेगा उसमें। मैं आपको अपना कुछ नहीं दे रहा हूं उसमें, मैं आपको और लोगों की ज़िंदगी को देखने का नज़रिया दे रहा हूं बस। क्योंकि और इस ये किताब जो है ये वक्त से परे है और हद से परे है, इट ब्रेक्स ऑल बाउंड्रीज, चाहे वो हब्बा खातून हो या उमराव जान हो, दे ब्रेक बाउंड्रीज, दे आर ब्रेकिंग बाउंड्रीज, एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो ब्रेकिंग बाउंड्रीज। और मैं तो यही कहना चाहूँगी एज अ एस्पायरिंग स्टोरी टेलर, बिकॉज मैं खुद ही इनकी दास्तान को पढ़ के खुद दास्तान गो बन गई, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से इन्होंने इतिहास को पेश किया है। तो मैं यही कहूँगी एवरी इंडियन शुड रीड दिस बुक। कोई और जगह होगी, लखनऊ तो नहीं, ये मीर अनीस की आतिश की गुफ्तगू तो नहीं, यहाँ तो चलती हैं छुरियाँ जबान से पहले, ये कोई और जगह होगी, लखनऊ तो नहीं।